दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जॉटिक बर्ड चैनल इंडिया। दोस्तों बहुत दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूं मैं। अभी अभी मैंने पानी चेंज किया है और थोड़ी ठंडी हो रही थी दोस्तों बारिश के कारण, तो मैंने थोड़ा पानी गुनगुना दिया है इन्हें। बहुत ही मज़े से नहा रहे हैं ये। और दोस्तों ब्रीडिंग सीजन तो चला गया है, पर लेकिन बर्ड के लिए अपना सेफली रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, गर्मी में ठंड में। तो इस वजह से मैंने थोड़ा गुनगुना पानी दिया और बर्ड बड़े मज़े से नहा रहे हैं। और जितना ये नहाएंगे उतना ही इनमें अच्छा कलर आएगा और उतने ही हेल्दी और एक्टिव रहेंगे ये बर्ड। और दोस्तों आशा करता हूँ आप भी और आपके बर्ड भी ठीक होंगे और आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने बर्ड का ख्याल भी रख रहे होंगे। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी इस वीडियो को देखें और एंड तक देखें। दोस्तों रोज़ेला बर्ड तो काफ़ी खूबसूरत होता है, आप सामने देख सकते हो। तो ये देखिए हमारे कुछ पीसेस नहा रहे हैं और कुछ नहाने वाले भी हैं, उनका मन कर रहा है नहाने के लिए। और रोज़ेला दोस्तों नहाता हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रोज़ेला जितना नहाएगा उतना ही अच्छा कलर आएगा इस पर। देखिए रेड ड्रम भी नहाने के लिए डोल रहा है, ये भी नहाएगा, रेड ड्रम को भी नहाने का। धीरे धीरे सारे बर्ड हमारे नहाने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल अभी 5 पीस यहाँ नहा रहे हैं, एक रेड ड्रम का और आपका 4 रोज़ेला। और भी बर्ड है, रोज़ेला मार के भगा रहा है रेड ड्रम को। ये देखिए अभी और भी पीस हैं इसमें आने के लिए, ये देखिए। दोस्तों चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। दोस्तों काफ़ी खूबसूरत बर्ड होता है रोज़ेला पैरट, और मुझे कॉलोनी में ही अपना ये रोज़ेला बर्ड रखना अच्छा लगता है, क्योंकि रोज़ेला अच्छी फ्लाई करेगा और साइज भी उसका खूब लंबा चौड़ा हो जाएगा और ब्रीड भी बहुत मस्त करेगा। तो दोस्तों ब्रीडिंग सीजन तो नहीं चल रहा है, ब्रीडिंग सीजन अभी ऑफ हो चुका है, पर लेकिन मैंने अभी अपने बॉक्स नहीं उतारे हैं। बॉक्स इसलिए उतारे हैं कि मौसम अभी ठंडा है, क्या पता किसी पेयर ने ब्रीड कर दी मेरे यहाँ पर तो ब्रीड हो जाएगी। पर लेकिन काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हमारे बर्ड, तो देखकर अच्छा लगता है। हमारे बर्ड खुश हैं तो इस वजह से हम भी खुश हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिएगा। और दोस्तों कुछ सीड के बारे में भी बताऊंगा मैं कभी भी सीड, कभी मिक्स सीड नहीं इस्तेमाल करता हूँ, मैं खुद ही मंगाता हूँ अलग अलग सीड और अपने घर पर ही खुद बनाता हूँ और अपने बर्ड को देता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ। तो इस वजह से मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी दुकानदार की ये कहूँ कि वो अच्छा माल नहीं बेचते हैं, पर लेकिन फिर भी दोस्तों सीड अपने ही हाथों से अगर मिक्स करोगे तो उसमें आपको फ़ायदा है। कोई भी भाई 4 पैसे कमाने के लिए थोड़ा सस्ता दाना उसमें मिलाता है और पैसे पूरे लेता है। तो इस वजह से अपना जो भी सीड है अपने आप खुद मंगाइए और अपने आप खुद मिक्स कीजिए। जिस हिसाब से आपको क्वांटिटी बढ़ानी है सीड की, उस तरह से क्वांटिटी दीजिए और जिस हिसाब का मौसम है उस हिसाब से सीड भी मंगाइए, कौन से मौसम में कौन सी सीड देनी चाहिए। फिलहाल मैंने जो सीड मंगाई है और मैंने मिक्स की है, मैंने क्या क्या सीड मिक्स की है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बर्ड हमारा हेल्दी रहेगा, अच्छा खाएगा पिएगा तो हम भी एक तरह से हेल्दी रहेंगे। जो बर्ड लवर होते हैं दोस्तों, बर्ड से प्यार करते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हमारा बर्ड अच्छा ना खाए, अच्छा खाए, अच्छा पिए और अच्छी तरह से रहे और अच्छी तरह से हमारी कॉलोनी में खेलता कूदता रहे और नहाता सब काम करता रहे। आप देख सकते हो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कितनी अच्छी तरह से अपना फुल इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोग मदद कीजिएगा और जब भी ब्रीडिंग आएगी आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा मैं।
तो दोस्तों कुछ पीसेस हमारे इस फ्रिज में पड़े हैं, आप देख सकते हो काफ़ी हेल्दी काफ़ी एक्टिव आपको लग रहे होंगे। और दोस्तों हमें कोई किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, हमें केवल रोज़ेला का शौक़ है। हमारा एक सपना था कि हम रोज़ेला रखें, और अभी तो हमारे पास गोल्ड मेंटल, रेड फेरी और रोबिनो अभी तीन म्यूटेशन हैं और एक सिनेमन भी है। तो दोस्तों हमें शौक़ है, अच्छा बर्ड है, खूबसूरत लगता है हमें, तो हम भी दोस्तों और भी आगे कुछ बर्ड बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत लगता है, अभी तो इन पे कलर आएगा, अभी कुछ एक साल के हैं ये भी, और जब पूरी एज पूरी हो जाएगी तो इन पे कलर और भी अच्छे आएंगे। ये थोड़ा चुपचाप बैठा है, क्यों बैठा है इसे देखना पड़ेगा, थोड़ा सुस्त लग रहा है मुझे, इसे कोई मेडिसिन वगैरह देनी पड़ेगी मुझे जब जाके, क्योंकि ठंडा मौसम है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों हम आपको अपना एक पेयर भी और भी दिखाएंगे, दूसरा पेयर भी हमारा दूसरी तरफ पड़ा है। आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देखे और चैनल पे नया हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, और जितना हो सके अपने दोस्तों पर शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से भी कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दिखाते हैं हम अपना, ये हमारा एक मेल है, बहुत ही प्यारा है, जब भी हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों ये हमारे पास आ जाता है, हिला हुआ है दोस्तों, ये देखिए काफ़ी पास से दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये देखिए कितना मासूम सा है, अच्छे कलर का है, ये देखिए हमसे खेलता भी है, बाजू में एक फीमेल बैठी हुई है और वो थोड़ी डरेगी अभी, ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हो पास से रोज़ेला का बर्ड कैसा होता है, किस तरह खूबसूरत होता है, ये देखिए, ये देखिए फीमेल उड़ जाएगी, अभी फीमेल डरती है, ये वाली डर गई और यहाँ आकर बैठ गई, ये देखिए। और दोस्तों इस कॉलोनी में जो मेल है मेरा, ये सबसे पुराना मेल है मेरा, इसने ब्रीडिंग की थी 2 साल पहले, बहुत ही अच्छा है, ये देखिए बहुत ही कलरफुल है, बहुत सारी वीडियो में डाला है मैंने इस मेल को, और आपको इसकी फीमेल दिखाता हूँ मैं, अभी ब्रीड नहीं कर रहा है ये, लेकिन करेगा अभी, ये इसका पूरा फुल कलर है, आप देख सकते हो कितना रेड होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, वाइट भी होता है, कई कलर होते हैं रोज़ेला पर, इतना खूबसूरत बर्ड होता है ये कि देखने वाला देखता ही रह जाए, ये देखिए कितना अच्छा कलर होता है इस बर्ड का। और दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब देखने के बाद इस वीडियो को सब्सक्राइब ना करें, उससे बड़ा बेशर्म आदमी मैंने ना जीवन में देखा ना देखा, समझ गए, आप देख सकते हो इतना बड़ा, इतना अच्छा, आपको इतना खूबसूरत बर्ड खूबसूरत दिखा रहा हूँ, फिर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो आपसे बड़ा कोई बेकार आदमी होगा नहीं, क्योंकि कोई भी अपनी चीज़ को दिखाता नहीं है, पर नज़र लग जाती है, हम इतनी मेहनत करते हैं, आपको अपना बर्ड दिखाते हैं, अपनी कॉलोनी की सारी चीज़ दिखाते हैं, फिर भी आप भी समों की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये गलत बात है आपकी। जो भी अगर बर्ड से प्यार करता होगा, खूबसूरत चीज़ से प्यार करता होगा, वो कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं रहेगा। ये फीमेल है रोबिनो की, ये देखिए इसका कलर देखिए, बहुत ही अच्छा कलर है दोस्तों, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो, अगर समझदार भाई है मेरा कोई, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और लाइक भी करेगा और दोस्तों कमेंट भी करेगा, समझ गए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको हम कौन सी सीड इस्तेमाल करते हैं, बर्ड तो हमने आपको दिखा दिए, अगर कोई ब्रीड आती तो हम आपको वो भी दिखाते,
लेकिन हमारे पास अभी कोई ब्रीड नहीं आई है रुजला की। चलिए दिखाते हैं हम आपको कौन सी सीड इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप कौन सा दाना इस्तेमाल करते हो, कौन सी चीज इस्तेमाल करते हो। कॉलोनी का साइज तो आप सभी को पता होगा, जितनी बड़ी कॉलोनी दोगे उतना आपका बर्ड खुश रहेगा। जितना अपना अच्छा आप सीड दोगे, खाना दोगे इन्हें, उतना ही बर्ड हेल्दी और एक्टिव रहेगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, हम आपको सीड दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमने सीड बनाई है कुछ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सीड में मैंने क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की है। और केवल ये रोज़ेला रेडरम के लिए सीड है, और बजरी भी दोस्तों इसी सीड को खाती है। मेरी सीड बहुत महंगी है पर कोई दिक्कत नहीं है, बर्ड से प्यार करते हैं, चाहे बजरी खाए चाहे कोई भी बर्ड खाए, थोड़ा खा लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कैंट्री भी है इसमें, आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ मिली हुई है इसमें। दोस्तों आप देख सकते हो इसमें कौन कौन सा दाना मिला हुआ है। जो दोस्त जानता है उसे तो पता ही होगा, जो नहीं जानता है उसे मैं नाम ज़रूर बताऊंगा कि इसमें क्या क्या मिक्स किया है। कुछ सीड अभी मैंने इसमें मिक्स नहीं की हैं, ठीक है, और वो भी सीड मिक्स करूंगा, अभी थोड़ा है नहीं, अभी मंगाऊंगा। तो इसमें फ़िलहाल जो भी सीड मिक्स है वो आपको ज़रूर बताऊँगा। इसमें सनफ्लावर है, कुसुम दाना है, कैंडी सीड है, रेड मिलेट है और ब्लैक मिलेट है, और आपके भांग का बीज है, और आपकी मोटी कंगनी है। तो दोस्तों इतने सारे इसमें मिक्स हुए हैं, तो बर्ड हमारा इसे बड़े शौक से बड़े प्यार से खाता है। और जितनी भी सीड है रोज़ेला बहुत ही अच्छी तरह से खाता है, और एक्टिव भी इस सीड को खाने से रहता है, और ब्रीड भी बहुत मस्त करता है। तो ये थी हमारी सीड। और दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाय।